नमस्कार मेरे दोस्तों, आज मेरा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अग्नोफोबिया क्यूर कैसे करते हैं। सबसे अहम तरीका है डिसेंसिटाइजेशन थेरापी, सीबीटी मेथड्स है, डिसेंसिटाइजेशन थेरापी और पॉजिटिव इमेजरी। ये दोनों के बारे में और भी टेक्निक्स के बारे में, सीबीटी टेक्निक्स के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं अग्नोफोबिया क्या है। आप सब जानते हो कोई न कोई वजह, कोई न कोई सिचुएशन से, कोई न कोई साहस सिचुएशन से आपको डर, किसी वजह का डर। किसी को बाहर जाने से डर लगता है, किसी को मॉल में जाने से लगता है, किसी को मूवी थिएटर में जाने से डर लगता है, किसी को पब्लिक प्लेसेस में जाने से डर लगता है, किसी को मॉल सिनेमा थिएटर्स में जाने में डर लगता है, किसी को क्लोज्ड बसेस में जाने से डर लगते हैं, किसी को शादी में जाने से डर लगते हैं, किसी को मौत हुए घर में जाने से डर लगता है। ये डर जब इंटेंस हो जाता है और ये पर्सन उसको टोटली अवॉइड कर देता है तो इसको हम इरेशनल फियर बोलते हैं, अग्रोफोबिया बोलते हैं। ये डरता है उस जगह पे वापस जाने से, जाने का सोच आने से ही ये डरना शुरू कर देता है। कल मुझे मॉल जाना है, वो आज ही से डरना शुरू कर देगा। किसी भी हालत में उधर जाने से अपने आप को रोक देता है, एस्केप करता है। जब एस्केप करेंगे तो नेचुरली ये डर जाएगा नहीं। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ये डर क्यों आता है, क्योंकि कभी न कभी इसको पैनिक अटैक आया, कभी न कभी इस आदमी को एंग्जायटी प्रॉब्लम्स आया। एंग्जायटी प्रॉब्लम्स का सिम्टम्स के बारे में आप जानते हो, एंग्जायटी प्रॉब्लम का सिम्टम्स जब आया, जिस जगह से आया उस जगह से शायद उनको एंग्जायटी सिम्टम्स आया होगा, कोई मॉल के अंदर, कोई बड़ा सा दुकान के अंदर। जब मॉल के अंदर उसको पैनिक अटैक आया, वो डर गया, वो बाहर आ गया और अपना घर चला गया डर के मारे। अगला दिन से सोचना शुरू कर दिया कि फिर से मैं अगर वो मॉल पे जाऊंगा तो मुझे वो एंग्जायटी अटैक फिर से आ जाएगा, पैनिक अटैक फिर से आ जाएगा। ये सोच के वो पैनिक अटैक जहां पर आया था उस जगह को टोटली छोड़ देता है, उधर जाता नहीं। उससे भी बढ़कर उधर जाने की सोच उसका मन में आता है तब से वो डरना शुरू कर देता है। उसके आसपास भी जाता है, उसका डरना शुरू कर देता है, उसको पैनिक अटैक सिम्टम्स वापस आ जाता है। इसको हम बोलते हैं अग्रोफोबिया, जगहों पे जाने का डर, इसको बोल सकते हैं हिंदी में अग्रोफोबिया। तो ये हमेशा पैनिक अटैक के बाद आता है, यानी तो एंग्जायटी अटैक के बाद आता है। तो ये इसको हम इरेशनल फियर बोलते हैं, जिसका कोई कारण नहीं होता, क्योंकि मॉल पे जाने से आपको क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मॉल पे जाने से आपको क्या होगा, पब्लिक प्लेस में जाने से आपको क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। कोई उधर मॉन्स्टर नहीं बैठा है वो आपको आके खा लेगा, या कोई आदमी उधर बैठा नहीं है आपको गोली मार देगा। तो ये जो डर है अपने आप बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक बार मैं उधर गया तो फंस गया था, वापस तो नहीं फंसूंगा। तो एक बात तो ये होगी। अभी दूसरी बात क्या है, मॉल पे गया तो मुझे पैनिक अटैक हुआ, अभी अगले बार बस में जाऊंगा तो पैनिक अटैक होगा कि नहीं होगा, ये सोच अपना मन में आता है, वो डरना शुरू कर देता है। तो इसीलिए ये सब सोच की है, इरेशनल फियर है। और ऊपर से आप ये भी जानते हो कि फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम, मैं प्रीवियस वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन किया हूं। फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम ये सबका कारण है। एंग्जायटी अटैक क्यों आता है, पैनिक अटैक क्यों आता है, फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम के वजह से आता है। तो आपको डरने की बात नहीं है, फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम, ये जो पैनिक अटैक का सिम्टम्स, ये सब आपका शरीर के लिए किसी भी तरह से हानिकारक नहीं है, ये कोई रोगी नहीं है। तो आप इसको क्योर करने की सोचना नहीं चाहिए, इसको मैनेज करने के लिए सोचना है। तो पैनिक अटैक की वजह से अग्रोफोबिया हुआ, जो पैनिक अटैक क्यों हुआ, फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम के वजह से हुआ। फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम क्यों हुआ, क्योंकि आप स्ट्रेस्ड थे, आपका शरीर अपने आप को बचाने के लिए फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम दिया। मेरा पहला वीडियो देखिएगा इससे पहले वाला, फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम का, आपको पता चल जाएगा फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम हानिकारक क्यों नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे अग्रोफोबिया से आप बच सकते हो। अग्रोफोबिया से बचने के लिए आपको जनरल तरीका है फिजिकल एक्सरसाइज, आपको व्यायाम करना चाहिए, ऊपर से आपको मेडिटेशन करना चाहिए, रिलैक्सेशन ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। रिलैक्सेशन ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में आप जानते हो, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आराम से एक जगह पर बैठिए, आंख बंद कीजिए और आराम का सांस लीजिए 15-20 मिनट तक। ये सुबह शाम आप करेंगे, आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा आराम से। थोड़ा टाइम लगेगा मगर मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। जितना आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा उतना आपका फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज आपको करने से इसका सेम असर पड़ेगा। मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, तो एक्सरसाइज आपको आउटडोर एक्सरसाइज करना है, कोई भी गेम खेलना सबसे अच्छा रहेगा दौड़ने से, जॉगिंग करने से अच्छा, या जिम में जाके वर्कआउट करने से अच्छा
कोई गेम एक डेढ़ घंटा के लिए खेलेंगे तो वो सबसे अच्छा रहेगा। अब तीसरी सीबीटी स्टेप है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी स्टेप है, अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ। सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए तरीके हैं, आपको अपने बारे में जानना चाहिए, अपने स्किल्स के बारे में जानना चाहिए, अपना एबिलिटीज के बारे में जानना चाहिए, और अपने एबिलिटीज और स्किल्स के बारे में जान के अपने आप को माहिर समझिए। ये समझिए कि मैं जो स्किल्स मेरे साथ है वो अव्वल है, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं अपने आप में बहुत प्राउड हूँ। ये हमेशा बोलने की कोशिश कीजिए, जितना ज्यादा आप अपने आप को सेल्फ एस्टीम अपना बढ़ा के रखेंगे उतना कम आपको एग्रोफोबिया होगा, तो इसको हम सेल्फ एस्टीम थेरापी बोलते हैं। अगला स्टेप है डिसेंसिटाइजेशन थेरापी। डिसेंसिटाइजेशन थेरापी माने आप जिस जगह से एग्रोफोबिया से या पैनिक अटैक से सेंसिटाइज्ड हो उस जगह पे स्लोली स्लोली आपको लेके जाएंगे और आपका सिम्टम्स कम करेंगे। अगर आपको माल पे जाने के लिए डर लगता है तो हम आपके साथ में जाएंगे या कोई थेरापिस्ट आपके साथ में जाएंगे, आप खुद भी जा सकते हो। आराम से उसका गेट तक जाइए, देखिए उधर सबका चेहरा, देखिए सिचुएशन को परखिए, 10 मिनट उधर खड़ा रखिए और वापस आइए। अगला बार भी ऐसे ही कीजिए, 4-5 बार करने के बाद आपको पता लगेगा कि कुछ नहीं हुआ, कोई सिम्टम्स नहीं आया, चलो अगला बार थोड़ा और आगे देखते हैं। उसका गेट के अंदर गया, उधर एक चेयर में आराम से 10 मिनट बैठा, वापस आया, अगेन किया वही, अगला दिन भी गया 10 मिनट बैठा, वापस आ गया। ये 5 दिन करेंगे, 7 दिन थोड़ा और अंदर जाएंगे, ऐसा स्लोली स्लोली करके अपने आप को उस सिचुएशन से परिचित कराना है। जितना ज्यादा आप परिचित कराएंगे आप देखेंगे कि मुझे सिम्टम्स नहीं आया, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, आप डरेंगे भी नहीं। इसको हम बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन थेरापी। ये थेरापिस्ट भी आपके साथ कर सकता है, अपने आप भी कर सकता है, मगर एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी पैनिक अटैक सिम्टम्स आपको आएगा, जो भी एंग्जायटी सिम्टम्स आएगा, ये कभी भी आपका शरीर के लिए या मन के लिए हानिकारक नहीं है, उससे मत डरिए, उसको आने दीजिए। जब आप बोलेंगे कि आने दो, नहीं आएगा, आप डरेंगे तो वापस आएगा। अगला सीबीटी टेक्निक है पॉजिटिव इमेजरी। पॉजिटिव इमेजरी में हम क्या करते हैं, ये जो डिसेंसिटाइजेशन थेरापी हमने उस जगह जाके किया, इसको हम अपना मन में करेंगे। जैसा मैं बोला आपको मेडिटेशन करना है या नहीं तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है, वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बाद 15 मिनट ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बाद आपका मन शांत हो जाएगा, तन शांत हो जाएगा। उस शांति में आराम से आंख बंद करके अपने आप को विजुलाइज कीजिए उस जगह पे जहां से, जिस जगह से आप डरते हो उस जगह पे अपने आप को विजुलाइज कीजिए। अगर आपको ट्रेन के अंदर बैठना डर लगता है तो आंख बंद करके अपने आप को ट्रेन के अंदर महसूस कीजिए, ये महसूस कीजिए कि आप पॉजिटिवली उसके अंदर बैठे हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, सबसे बात कर रहे हो या नहीं तो किताब पढ़ रहे हो, आप वो जर्नी जो है ट्रेन के अंदर का जर्नी है उसको एंजॉय कर रहे हो। ऐसा अपने आपका मन में एक इमेजिनेशन, एक विजुलाइजेशन लेके आओ, हर दिन 2-3 बार ये करो, 1-2 हफ्ते में आपका ये जो डर है, अग्रोफोबिया का डर है, वो खत्म हो जाएगा। अगला सीबीटी स्टेप है जर्नलिंग बोलते हैं इसको। हर एक चीज जहां कहीं भी आपको डर लगता है, जो भी आपको फोबिया लगता है, अग्रोफोबिया लगता है, ये सब चीज को आप अपने लिख के रखो, एक डायरी में लिख के रखो, और जितना ज्यादा आप लिख के रखेंगे उतना आराम से आप उसके बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर दोगे। जितना ज्यादा आपका लॉजिक सोचा रहेगा उतना ज्यादा आपका ये प्रॉब्लम का जो असर है वो कम पड़ जाएगा। अगला स्टेप है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना। एक दूसरे से बात करने से हमें पता है हमारा चिंता दूर हो जाता है, तो जिसको सेम प्रॉब्लम है हमारा जैसा, ये एग्रोफोबिया का प्रॉब्लम है, उन लोगों से बात करने से, उन लोगों को हमारा प्रॉब्लम बताने से, वो लोग अपना प्रॉब्लम आपको बताने से, आपके मन में जो नॉलेज एग्रोफोबिया के बारे में था वो और चट्टान हो जाएगा। जितना ज्यादा आप जानते हो एग्रोफोबिया के बारे में, जितना ज्यादा आप जानते हो कि एग्रोफोबिया कभी भी हानिकारक नहीं है, उतना जल्दी आपका एग्रोफोबिया क्योर हो जाएगा। एग्रोफोबिया मन में रखिए, किसी भी हालत में कभी भी आपका पूरा जिंदगी आपके साथ नहीं रहेगा, थोड़े दिन बाद वो अपने आप चला जाएगा। मगर कोई भी आप ट्रीटमेंट ना लो फिर भी वो अपने आप चला जाएगा, ट्रीटमेंट लो तो थोड़ा जल्दी चला जाएगा। ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ, आप साइकोथेरापी टिप्स अपनाएंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर टिप अपनाएंगे, जो मैं बोला ये टिप अगर आप अपने आप लगा सकते हो तो अपने आप लगा लीजिए, या नहीं तो मेरा जैसा कोई थेरापिस्ट मिले तो उनसे लगवा लीजिए, आपका क्योर होना पक्का है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए, धन्यवाद।